देश की 65% युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी की आयु सीमा यानी कि एज लिमिट घटाने पर विचार कर रही है। कई पार्टियां इसके पक्ष में हैं। इन दलों का तर्क है, अगर निगम परिषद में चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा 21 साल है तो फिर विधानसभा और लोकसभा के लिए ये एज लिमिट 25 साल क्यों? यही नहीं, अगर 18 साल की उम्र में युवा वोट डालकर सरकार चुन सकते हैं तो सरकार में शामिल क्यों नहीं हो सकते? RLD, AIMIM, YSRCP, RJD, BJD, शिवसेना उद्धव गुट समेत कुछ दल आयु सीमा घटाने के पक्ष में हैं। BJP और कांग्रेस के कई सांसद भी ये चाहते हैं कि आयु सीमा घटाने का वक्त आ चुका है। जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार इस बारे में गंभीरता से मंथन भी शुरू कर चुकी है। भारत युवा देश है, लेकिन सरकार का मानना है कि 2030 के बाद देश के लोगों की औसत उम्र बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसलिए अगले 7-8 साल ही ऐसे हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में संसद या विधानसभाओं में पहुंचने का मौका मिल सकता है। इसलिए इस मुद्दे पर जल्द ही कोई फैसला लेना जरूरी है। देश की आबादी की औसत उम्र 25 साल है, जो कि चीन से 10 साल और अमेरिका से 15 साल कम है। यानी दुनिया के किसी भी बड़े देश के पास भारत जैसी युवा शक्ति नहीं है। आने वाले 20 साल में भारत के पास भी नहीं बचेगी। इसलिए सरकार का मानना है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके देने से क्रांतिकारी बदलाव हो सकते हैं। राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने संबंध में संसद में एक निजी विधेयक पेश किया। उनके इस विधेयक पर BJP के एक वरिष्ठ नेता मानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल युवाओं को रिझाने के लिए इस मुद्दे को बड़ा बनाकर पेश करता है, इसलिए हमें पहल करनी चाहिए कि समय रहते विधायक या सांसद बनने की न्यूनतम उम्र 21 साल हो जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।